हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 8th ऑफ मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द चांगे 6 प्रोब टू ब्रिंग बैक सॉइल फ्रॉम डार्क साइड ऑफ द मून। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे पक्ष से मिट्टी वापस लाने के लिए चांगे 6 जांच मिशन को लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं चाइना, रशिया, इंडिया या फिर जापान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस मिशन को लॉन्च किया है चाइना ने, आप यहाँ देख सकते हैं। सो चाइना लॉन्च्ड चांगे 6 प्रोब टू गेदर सैंपल्स फ्रॉम द मून्स फार साइड, एमिंग टू बी द फर्स्ट नेशन टू डू सो। प्रीवियसली ओनली द यूएसए एंड यूएसएसआर कलेक्टेड लूनर सैंपल्स ऑल फ्रॉम नियर साइड। सो चाइनाज चांगे 4 लैंडेड ऑन द फार साइड इन 2019 बट डिंट रिट्रीव सैंपल्स, एंड इन 2023 इंडिया चंद्रयान 3 मिशन अचीव्ड अ फर्स्ट बाई लैंडिंग नियर द मून्स साउथ पोल। द डार्क साइड ऑफ द मून रिसीव्ड सनलाइट कॉन्ट्ररी टू इट्स नेम। तो चांगे 6 मिशन की बात करें तो ये एक रोबोटिक लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है बाय चाइनाज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये चाइना का सेकंड सैंपल रिटर्न मिशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एट अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 टू प्रमोट इंडिया एज अ होलिस्टिक डेस्टिनेशन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत को एक समग्र गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अभियान, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं डिस्कवर इंडिया, इंडिया वेलकम्स यू, कूल समर्स ऑफ इंडिया या फिर इनक्रेडिबल इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस मिशन का नाम है कूल समर्स ऑफ इंडिया, आप यहाँ देख सकते हैं। सो द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन एट द अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024, जिसका आयोजन किया गया दुबई में। सो दिस डिजिटल कैंपेन इज एम्ड एट चैलेंजिंग द परसेप्शन दैट इंडिया इज टू हॉट फॉर समर ट्रेवल। थ्रू द कैंपेन द मिनिस्ट्री हाईलाइट्स रिफ्रेशिंग एंड लेसर नोन डेस्टिनेशन इन इंडिया, पर्टिकुलरली हिल रिजॉर्ट्स एंड द हिमालयाज। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन इज टू प्रमोट इंडिया एज अ डेस्टिनेशन फेवरेबल फॉर ट्रेवल ईयर राउंड, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द ट्रेडिशनली पॉपुलर ट्रेवल सीजन। सो कूल समर ऑफ इंडिया अभियान, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, जैसा कि आपने देखा कि गर्मियों के दौरान जो कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, खासकर हिमालयन रीजन में, उनको बढ़ावा देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली वेयर वॉज द 26th आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग हेल्ड। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में 26वीं आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, जयपुर, चेन्नई या फिर हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, आप यहाँ देख सकते हैं। सो द 26th आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली, को चेयर्ड बाई जयदीप मजुमदार एंड एल्बर्ट जुआ, रिव्यूड आसियान इंडिया रिलेशंस फोकसिंग ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल एंगेजमेंट। सो दे डिस्कस्ड इम्प्लीमेंटिंग द प्राइम मिनिस्टर्स 12-पॉइंट प्रपोजल टू स्ट्रेंथन द आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड ऑल्सो प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग आसियान इंडिया समिट इन बियंदियन लाओस वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड। सो आसियान अप्रिशिएटेड इंडिया सपोर्ट फॉर आसियान एंड रीजनल आर्किटेक्चर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर
आपसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के बारे में कुछ कथन दिया गया है जिस पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एंड सेकेंड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग ड्रग्स, कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, सेटिंग ड्रग स्टैंडर्ड्स एंड इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग्स। और इस क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, सो द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विल नाउ एक्सक्लूसिवली हैव द अथॉरिटी टू इशू मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस फॉर न्यू ड्रग्स इंटेंडेड फॉर एक्सपोर्ट, रिमूविंग दिस पावर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स, जिसकी वजह से ये अभी चर्चा में रहा है। सो CDSO ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड इट ओवरसीज रेगुलेटरी फंक्शंस अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग ड्रग्स, कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, सेटिंग ड्रग स्टैंडर्ड्स एंड इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द इम्पोर्टेड ड्रग्स। इट ऑपरेट्स थ्रू 9 जोनल ऑफिसेस अक्रॉस द कंट्री। सो आपने देखा कि CDSO जो है वो भारत का नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है फॉर कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोलावरम वाटर प्रोजेक्ट। यहाँ पर पोलावरम जल परियोजना से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रोजेक्ट विल डाइवर्ट गोदावरी रिवर वाटर टू द कृष्णा रिवर बेसिन। एंड सेकेंड, इट इज पार्ट ऑफ द रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाई द इंडियन गवर्नमेंट। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत गोदावरी रिवर का जो वाटर है वो डाइवर्ट किया जाएगा कृष्णा रिवर में। आप यहाँ देख सकते हैं, सो पोलावरम प्रोजेक्ट इज द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स वेयर वाटर फ्रॉम गोदावरी विल बी डाइवर्टेड टू द कृष्णा रिवर बेसिन, एंड दिस इज इंटेंडेड टू बेटर मैनेज द रिसोर्सेज एंड एनहांस इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई कैपेबिलिटीज इन द रीजन सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैसिटी। सो दिस प्रोजेक्ट इज इंटेंडेड पार्ट ऑफ द ब्रॉडर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, एम्ड एट इनहांसिंग वाटर अवेलेबिलिटी अक्रॉस डाइवर्स रीजन्स ऑफ द कंट्री बाय इंटरलिंकिंग रिवर सिस्टम्स। सो दिस लार्ज स्केल सिविल इंजीनियरिंग एंडेवर सीक्स टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड्स, इम्प्रूव इरीगेशन एंड सस्टेन वाटर अवेलेबिलिटी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी स्थिति मैप में कहाँ पर है। तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो दिस प्रोजेक्ट गिव मेजर बूस्ट टू द टूरिज्म सेक्टर इन गोदावरी डिस्ट्रिक्ट एज द रिजर्वॉयर कवर्स द फेमस पापीकोंडा नेशनल पार्क, पोलावरम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड नेशनल वाटरवे 4 आर अंडर कंस्ट्रक्शन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस रिवर। सो यहाँ पर टूरिज्म क्षेत्र को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली टर्म्ड एज व्हाइट गोल्ड। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सफेद सोना कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं मिल्क, कॉटन, सॉल्ट या फिर सिल्वर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो कॉटन को व्हाइट गोल्ड से भी संबोधित करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, सो कॉटन इज ऑफन रिफर्ड टू एज व्हाइट गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक वैल्यू एंड द सॉफ्ट व्हाइट फाइबर्स इट प्रोड्यूस विच रिजेंबल्स द प्रेशियस मेटल गोल्ड इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस। सो द फ्रेज हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटन एज वैल्यूएबल कमोडिटी एंड इट्स रोल इन जनरेटिंग इनकम फॉर फार्मर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी।
सो भारत की बात करें तो इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड एट 120.69 लाख हेक्टेयर, विच इज 36% ऑफ द ग्लोबल टोटल। सो कॉटन की बात करें तो इसको 9 मेजर स्टेट्स में ग्रो किया जाता है, जिनको 3 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में बांटा जाता है। नॉर्दर्न जोन की बात करें तो उसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य शामिल हैं। सेंट्रल जोन में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इसके साथ ही सदर्न जोन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। सो 67% ऑफ इंडिया को जो कॉटन है वो ग्रो किया जाता है रेनफेड एरिया में, और 33% इन इरिगेटेड एरियाज। टॉप 5 कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।